बेटा को जो है ना पति को तो जेल भेजवा ही दिए हैं, तुमको फ्लैट में आकर के गोली मारेंगे। हम भारत सरकार का पर्सन चेयरमैन नंबर है कुछ ऐसे हाँ बताया जी। बीजेपी का रास्ता में ही ना गिरफ्तार हुआ, मेरा पति मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसका करियर खराब कर दिया बिल्कुल एकदम। मैडम बहुत परेशान हो चुके हैं इसलिए लोड हो रहा है कि इस तरह से जो मेरे साथ में हो रहा है बहुत काफी परेशान हो चुके हैं ना। हम किरना पोंगे तो मेरा बाल बच्चा ना केस करेगा, हमारा परिवार से ज्यादा वो शुभ चिंतक हो गया जो केस करने चला गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपको बता दें कि इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जेडीयू की महिला विधायक बीमा भारती जी हैं। इस वक्त देखिए मेरे फोन पर यानी कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया था और कॉल पर थी बीमा भारती। कॉल पर बीमा भारती रो रही थी, बिलक रही थी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बीमा भारती खुद को इतना बेबस महसूस कर रही है, रो रही है, बिलक रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बीमा भारती जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बीमा जी बात करने के लिए। चलिए आपको भी लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या हो गया था? देखिए मेरे फोन से आपसे बात हुई है, फोन आपने किया था, बात हुई है, उस फोन कॉल पर आप रो रही थी बीमा जी, बिलक रही थी, आप बेबस महसूस कर रही थी। ऐसा क्या हो गया है कि जेडीयू की महिला विधायक इतना बेबस महसूस कर रही है? देखिए अभी हम लोग बैठे हुए थे सब परिवार और हमारी बेटी थी, सब बैठे हुए थे। गोपाल मंडल जी बगल में है जी, वो भी आए थे, वो भी आपके साथ, वो भी साथ में बैठे हुए थे जी। ऐसे बातचीत चल रहा था, उसमें कॉल आ गया, कॉल आया तो उठाए तो पूरा गाली गलौज करने लगा, आपको गाली देने लगा, गाली गलौज करने लगा फोन पर। तो हम बोले कि हाँ, इसके बाद फोन करने लगा, फिर बेटी को दिए, बेटी को भी गाली गलौज करने लगा। इसके बाद बोलता है कि बेटा को जो है ना पति को तो जेल भेजवा ही दिए हैं, तुमको फ्लैट में आकर के गोली मारेंगे, फ्लैट में आकर के गोली मारेंगे। इसके बाद हम बोले कि विधायक जी को देखिए, विधायक जी देखिए ना कौन है गाली दे रहा है। तो वो भी बोला है दाद हमारा फोन खींच के, उसको भर दिए तो एकदम से उसको भी गाली देने लगा, गोपाल मंडल को भी गाली देने, उसको भी गाली देने लगा। वो बोला कि हम गोपाल मंडल बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, बोला कि हम नहीं किसी को जानते हैं, हम भारत सरकार का पर्सन चेयरमैन नंबर है कुछ ऐसे हाँ बताया बीजेपी का। अच्छा, वैसे बोला तो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, रिकॉर्ड भी कर लिया, रिकॉर्ड भी किया है, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन तब तक मैं विधायक जी बात करने लगे तो इस तरह से धमकी दे रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो भी है ये व्यक्ति जी, जो सरकार का नाम लेकर के चाहे किसी दल का नाम लेकर के इस तरह के धमकी देना एक महिला को, आप ये सोचिए कि एक महिला को और आप कितना बेबस महसूस कर रहे हैं, और परिचय दे करके धमकी दे रहा है कि हम जो है भारत सरकार का बीजेपी का चेयरमैन मेंबर हैं। अच्छा, हम बोल रहे हैं सुनिए ऐसे करके, ऐसे करके हाँ हम आपको सुना भी सकते हैं। मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि आप एक महिला विधायक हैं। गोपाल मंडल जी ने भी बात की, बेटी को भी धमकी, बेटी को भी धमकी दी। अच्छा, आप क्या आपने इसकी कंप्लेन की, क्या थाने गई थी? सचिवालय थाना मामला एसपी साहब से बात की, एसपी साहब बोले कि अभी तुरंत जाकर के कंप्लेन करिए थाना में जाकर के, हम कंप्लेन कर दिए हैं यही पर जी। हाँ यही है, ये आपने शिकायत जो हाँ, शिकायत किए हैं रिसीविंग करा करके हम ले लिए हैं। और थाना प्रभारी जी नहीं थे वहाँ पर, तो बोले कि एक घंटा लगेगा तो हम चलाए फ्लैट पर। इसीलिए इस तरह से महिला को एक धमकी देना, बिल्कुल इस सरकार में रह करके इस तरह से कौन ऐसा व्यक्ति है जिस तरह से कर रहा है? कौन है बीमा भारती का दुश्मन? कौन है जो बीमा भारती को इतना परेशान कर रहा है और लगातार आपकी मुश्किलें खत्म? अच्छा ये बताइए मैडम, आपसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि मैडम हमारा गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे लाइव सिटी से हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी कहा भी कि मैंने अपने नेता को बता दिया है कि मैं आऊंगी, हम बता दिए हैं, बता करके हम गए थे, हम आपको बताए थे कॉल पर भी, दो बार हम आपसे बात हुआ है, सब चीज बताए, लेकिन फिर भी क्या मजबूत। बीमा जी हमको ये बताइए, थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले आप भोज में नहीं आई, चलिए उस वक्त आपने बात की, आपने कहा कि मैं अभी नहीं आऊंगी, मैंने नेता को बता दिया, फिर हमने देखा कि विजय चौधरी की यहाँ बैठक हुई, वहाँ भी आप नहीं, उसी दिन हम बैठक में आ रहे थे, फिर क्या हो गया? रास्ता में ही ना गिरफ्तार हुआ मेरा पति मेरा बच्चा, हम आगे बढ़े और उसको गाड़ी जो पकड़ लिया वहाँ पर एसपी ने उठा लिया जी।
फिर हमको यहाँ से लौट के जाना पड़ा, वहाँ लौट के जाना पड़ा, जाना पड़ा। इसके लिए मीटिंग में भी नहीं हम आ पाए, मीटिंग ओवर हो गया। हाँ। मीडिया वाला पूरा चलाया कि बीमा भारती एब्सेंट हो गई। अच्छा। इसके बाद फिर जो है कल भी सदन में हम आए, भागे भागे वहाँ से सदन में अटेंड किए, फिर यहाँ सदन से चले गए वहाँ बार बख्तियारपुर गया। मतलब थाने दौड़ना पड़ा आपको, क्योंकि आपके पति और बेटा वहीं पर था जी। वहाँ से फिर यहाँ सदन अटेंड करने के बाद फिर हम गए थाना पर। जी जी जी। रात में 12 बजे रात में हम फ्लैट पर आए हैं। जब जेल कर दिया सुरक्षित, हम समझ गए कि अब अंदर चला गया। पहले तो मिल ही नहीं रहा था, कहाँ पर रख दिया था, टाल टाल खोज रहे थे पूरा जंगल जंगल में, कहीं नहीं पता चल रहा। इसके बाद तब फिर जब मीडिया सबको फोन करने लगे, हम वहाँ का बेगूसराय में फोन किए सब जो, तब मीडिया वाला सब आया, तब फिर बयान वन दिए, तो उधर से तब फिर दो गाड़ी से लेकर के आया एसपी सहित आया लेकर। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि क्या अब आपके पति को और बेटे को छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है ना, जेल में है तो छोड़ेगा कैसे? अभी तक नहीं छोड़ा है, अभी तक वो लोग जेल में है। जेल चला गया ना? जी जी जी। जेल चला गया तो कैसे छूटेगा? अच्छा ये हमको समझ में नहीं आया कि क्या गलती थी उनकी। पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका करियर खराब कर दिया जी है, वो बच्चा का क्या दोष था? जहाँ हमें कोई गलती जहाँ हुआ होगा, चाहे उसको लग रहा है कि हम गलती किए तो हम ही को जेल कर देता, मेरा बच्चा को क्या दोष था? मतलब आपने अगर कोई गलती किया है तो आपको जेल कर देता, लेकिन बच्चे को क्यों राजनीति में घसेट रहा है? बाल बच्चा को, बाल बच्चों का क्या समझ में आ रहा है? वो तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। बिल्कुल, मतलब एक आप महिला भी है ऊपर से माँ भी है, तो इस वक्त आप पे क्या बीत रही है बीमा जी? कैसे हम जी रहे थे? आंख भी आपकी नम हो रही है। बिल्कुल एकदम मैडम, बहुत परेशान हो चुके हैं। क्यों अपने आप तो काफी बहादुर महिला हैं, आप क्यों रो रही हैं? इसलिए लोग रो रहा है कि इस तरह से जो मेरे साथ में हो रहा है, बहुत काफी हम परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप परेशान हो रही हैं। बीमा जी हमको समझ नहीं आया कि क्या गलती हो गई है भाई, आपसे क्या गलती हो गई? लगातार हम आपसे कांटेक्ट में है, हम अपनी नेता के कांटेक्ट में, सबके नेता के कांटेक्ट में थी बीमा जी, सब सब सबसे। तो फिर आपको इतना परेशान क्यों किया? फिलहाल इसका ना देखिए, अभी जो गाली दिया धमकी दे रहा है मारने का, इस पर भी तो अभी कार्रवाई होना चाहिए। कौन ऐसा आदमी है जो फोन पर, कौन, और वो भी जान पर आपके बनाई है? जान पर हमें गोली देने की धमकी दी जा रही है महिला विधायक को, गोली मैंने फ्लैट में जो है घुस के गोली मारेंगे, गोली मारने की। बेटा और पति को तो जेल भेजवाइए दिए हैं, अब तुम बची है ना, तुम सब परिवार को खत्म करेंगे, परिवार को खत्म करेंगे। हाँ। अच्छा आप ये बताइए, आप किडनैप हो गई थी क्या? ना हम किडनैप होंगे तो मेरा बाल बच्चा ना केस करेगा जी, कि दूसरा को केस करने आएगा? जेडीयू के विधायक ने ही केस कर दिया है, वो ज्यादा शुभचिंतक हो गया मेरा, क्या हमारा परिवार से ज्यादा वो शुभचिंतक हो गया जो केस करने चला गया। हम किडनैप होंगे तो मेरा पति करेगा केस, मेरा बच्चा करेगा, हमारा माँ नहीं है, माँ कहाँ गई है जी, कि विधायक को चिंता हो गया केस करने का। तो इस तरह की खबरें को मजाक बना दिया है और कुछ नहीं, मजाक बना दिया है, मजाक बना दिया गया, मजाक बना दिया, खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल। अच्छा क्या मुख्यमंत्री नीतीश, आप किडनैप होइएगा तो आपका बाल बच्चा, आपका परिवार एफआईआर करेंगे कि कोई दूसरा अन्य सदस्य केस करने जाएगा थाना में? कह रहे हैं कि हम जेडीयू के विधायक हैं इसीलिए हमने केस किया है। क्यों? परेशानी हो रही थी, चिंता हो रही थी। काहे ले चिंता, मेरा बच्चा चिंता करेंगे ना जी, मेरा बाल बच्चा चिंता करेंगे, मेरा पति चिंता करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई बीमा जी? बिल्कुल बात हुई है, आज भी आज बात हुई है, कल हम जाएंगे मिलने के लिए, कल मिलने जाएंगी आप? बिल्कुल जाएंगे मिलने के लिए, और पूरी बात उनको बताइएगा। क्या लगता है मुख्यमंत्री कहीं नाराज तो नहीं है? हमसे क्यों नाराज होंगे, हम क्या गलती की है जो माननीय मुख्यमंत्री हमसे नाराज होंगे जी? सब दिन हम बोलते आए आपको कि गार्जियन है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने लगातार कहा है, लगातार हम बोलते आए, लेकिन फ्लू टेस्ट में जो देरी हुई, कहीं देर से आप आई, कहीं इस वजह से देर से आए, तो मेरा पति को तो वह थाना में बैठा कर रखे थे, मेरा बच्चा को परेशान कर रहा था, टॉर्चर किया, मारपीट किया, तो काहे ना मां है, परेशान तो होंगे ना? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। और आपकी बच्चा है सबसे बड़ा चीज की सदन बड़ा चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए सदन नहीं है बड़ा, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, सब सदन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कल आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी होगी? एकदम बिल्कुल करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। चलिए
तो सुना आपने क्या कुछ बताया है बीमा भारती जी ने, और आपने देखा है कि एक बार फिर से कैमरे के सामने भावुक हो गई थी, कैमरे के सामने बेबस हो गई थी बीमा भारती, और क्या कुछ कहा है, कौन से बड़े खुलासे किए हैं ये भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।